देखी दुनिया में कैसे कैसे लोग आए और चले गए, आखिर फना। एक रोज हम लोग भी चले जाएंगे। पढ़ के देखो मेरे भाई, ऐसी मजलिस कहीं नहीं है सिवाय हक्कानी अंजुमन के। किसी दुनिया के कोने में खोल डालेंगे, नहीं मिलेगा। पार्टी मिल सकता है, फिरका मिल सकता है, दुनिया में कह देगा कि हिंदुस्तान में सूद जायज है, वो भी टोपी वाला और सर्टिफिकेट वाला। कहेगा कि हिंदुस्तान में सूद जायज है। किसकी बात को ठुकराओगे? अल्लाह एक, रसूल एक, कुरान एक, शरीयत एक, चार चीज बनाया अल्लाह ताला ने, चार चीज बनाया। अगर एक चीज का इनकार किया तब वो कहां जाएगा, उसका ठिकाना कहां होगा, वो अल्लाह ही जानता है। हमारा मुर्शिद कहता है हलाल खाइए, बार बार कहता है हलाल खाओ, दुआ करो अल्लाह ताला हलाल खाने की तौफीक अता फरमा दे। दुआ करें। आज देख लीजिए मेरी नमाज कितनी अच्छी है, कहते हैं कि नहीं। देख लीजिए असर की सुन्नत, कैसे लोग कहते हैं कि क्या नाम है, सुन्नत मुअक्कदा है, हम मालूम नहीं है। लेकिन सुन लीजिए, जो अल्लाह ताला ने दिया वो हक है। कहा कि पढ़ो पूरा पूरी, मुर्शिद कहते हैं नमाज का पूरा पूरी एहतमाम करना, वरना तेरे अमाल लपेट के तेरे चेहरे पर अल्लाह ताला फेंक देगा। एक अल्लाह के दोस्त थे, सुन ले, देख लीजिए असर की सुन्नत। कहते हैं ना, हमारे इमाम साहेब ही गायब हैं, कहते हैं टाइम नहीं है, तो क्या करेंगे बड़ा मस्जिद में, क्या करने गए हैं, मत जाइए। देख लीजिए असर की सुन्नत। एक अल्लाह का दोस्त था, कहा कि मेरी जनाजे की वही नमाज पढ़ाएगा जिसकी कभी असर की सुन्नत कजा नहीं हुई है। आज हम लोग देख लीजिए हम लोग कितना हैं, और वो दुनिया से पर्दा कर गए। अब जनाजा रखा हुआ है अल्लाह का, ये तो पहले यकीन कर लें कि अल्लाह का औलिया मरता नहीं है, पर्दा कर जाता है। आंख से ओझल है वो, उसकी खूब प्यारी नींद है, उस वक्त सोया हुआ है। देख लीजिए अल्लाह का औलिया सोया है, और बड़े बड़े उलमा बड़का बड़का टोपी, तीन तल्ला, चार तल्ला, पांच तल्ला, सारे लोग खड़े हैं, लेकिन किसी का हिम्मत नहीं है। कहे कि हम तो जानते बड़े कि कितना नमाज हमन का पढ़ी लजा, हम लोग तो जानते ही हैं। जनाजा रखा हुआ है, बहुत देर हो जाती है, एक नकाब पोश आया, चेहरा बंद, आके जनाजा पढ़ा दिया, और पढ़ा के जब जाने लगा तो एक आदमी पकड़ लिया, आप कौन हो भाई, कम से कम तो चेहरा तो दिखा दो। पकड़ लिया, जब अपना पर्दा हटाता है तो क्या देखा कि जो जनाजा रखा हुआ है वही जनाजा पढ़ा के जा रहा है। हम क्या कहते हैं, सुन्नते मुअक्कदा, तुम्हारा घर कहो का पूरा पूरी नमाज पढ़ा जा, वरना इहो जाए और हो जाए, कुछ ना मिले। चार रिकात सुन्नत, दो रिकात नफिल, सफर में हो जाओ दो रिकात फर्ज। काम भाई तो का दे बोलो, जितना ही सज्दा करेंगे उतना ही सवाब मिलेगा, सज्दा जितना करेंगे। इसलिए मुर्शिद कहते हैं कि कसरत से नफिल पढ़ो। आज हम लोग देख लीजिए मजलिस बनाया, ये मजलिस बनाया मुर्शिद ने, ये अल्लाह के औलिया की दोस्त की मजलिस है, सूफी अजर गाछी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस है। कहते हैं कि हक्कानी अजमल आई कहां से, ना भाई ये खड़ारा मिले ना आए, खूब मेहनत कर ले है। अल्लाह सूफी अजर गाछी रहमतुल्लाह अलैह, देख लीजिए सूफी अजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह ने गाछ से अजान दिलवाया, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर।
थोड़ा सा झुक गया और क्या कहा, मुझार जोर रुक जा रहे थे तो क्या कहा, ये तो हम आजान गाछी है, नाम पड़ गया मुर्शिद का आजान गाछी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से लिख दिया। आज ये भी दिया कि ले और लिखा पढ़ ले और तुम भी दुआ करो इलाही रहमत जाजर कर तमाम आलम पर, और तुम भी दुआ करो पूरा पूरी। इन्नमल आमाल के नियाज, अमल का दारो मदार नियत है। अगर नियत में थोड़ा सा भी ये है, हम लोग नियत बांध लेते हैं तो पहुंच गए लज्जा जी ने कहा, नियत ले जा है ये लिखे, पूरा पूरी नियत को रखें। आपका मुर्शिद देख लीजिए, एक सूफी हजार गाछी रहमतुल्ला लेके यहाँ मुरीद जा रहा है, हमारे मुर्शिद की निगाह देखो, कहते हैं ना कि अल्लाह की दोस्त की चीज है हकानी रवि सर। एक मुरीद गया, मुरीद होने के लिए गया सूफी हजर गाछी रहमतुल्लाह अलैह के पास, गलती होगा तो माफ करेंगे। देख लीजिए मुर्शिद अपने मुरीद के साथ किस तरह चलता है। हाफिज साहब जहाँ आपका पैर गिरता है ना, वहाँ मुर्शिद की निगाह होती है, यकीन करें। अगर यकीन नहीं है तो मैं मुरीद नहीं हूँ। देख लीजिए क्या कहा कि हजूर हम मुरीद होंगे, कहा कि हाँ मुरीद हो जाओ, पांच टाइम नमाज पढ़ना, पांच टाइम वजीफा जितना हो सके परहेजगारी और हलाल रोजी खाना, दुआ करना उसके लिए। कहा कि जी हजूर हम हर बात को मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक मेरी भी बात हो। ये मुरीद देखिए कितना जबरदस्त मुरीद बा, कहा कि एक मेरी भी बात हो। कहा कि ठीक है बोलो। कहा कि मैं शराब पीऊंगा। कहा तरह की सूझ जाए, जो चीज हराम है उसको कोई नहीं कह सकता है कि हलाल है, चाहे 100 बरस पहले हो या 100 बरस बाद हो। कुरान जब से आया है उसमें सूद हराम दिया है तो सूद हराम है। उसके बाद देख लीजिए मुर्शिद ने कहा कि क्या करोगे, तो शराब पिएंगे। कहा कि ये कैसे, अब सोचने लगे मुर्शिद सूफी हजर गाछी रहमतुल्ला अरे शराब हराम है तो हराम है, सोच रहे हैं। कहा कि ठीक है एक बात मेरी भी मान ले। देख लीजिए मरीज मुर्शिद अपने मरीज को किस तरह बचा रहा है। कहा कि एक मेरी भी बात मान ले। कहा कि जी हजूर 100 बार, लेकिन मैं शराब पीऊंगा। कहा कि ठीक है तुम मेरे सामने मत पीना, तुम मेरे सामने मत पीना। कहा कि जी हजूर है तो वादा है इंशाल्लाह कयामत तक। जाता है शराब खाने में बैठ गया और कहा कि भाई शराब ले आओ, गिलास लाता है रख दिया। जिस वक्त शराब को उठाया तो उसने क्या देखा, उसने मुर्शिद का चेहरा नजर आ रहा था। आज हम लोग क्या कहते हैं मुर्शिद, अब जो है एक गिलास दो गिलास तीन गिलास सिलसिला जारी रहा, उसके बाद खूब दूर गया। वो जानता है कि खानकाहे में हूं, मुर्शिद ऐजे हूं, मुर्शिद यही है, चारों मुर्शिद यही बैठे हुए हैं। इस मजलिस में सारे लोग आए हैं, हम लोग देख नहीं सकते क्योंकि ये पत्थर की आंख है। उस आंख की तलाश करो जो मुर्शिद देने के लिए कोशिश कर रहा है, वरना यहाँ भी खाली और वहां भी खाली। हक्कानी रही अब जो है दूसरे यहाँ गया, वैसे ही सिलसिला जारी रहा। आता है गया घर गुसल के या दो रिकात नफिल नमाज पढ़ के हजरत के यहाँ जाता है, मुर्शिद ने क्या कहा, अरे फलाने खूब पिया। अब वो रोने लगता है, कहा कि हजूर अगर मैंने जो गलती किया उसके लिए दुआ कर दें कि अल्लाह ताला जो मुर्शिद ने दिया उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे, दुआ करो। आज देख लीजिए हम लोग क्या कहते हैं, भाई बाजार पर कव्वाली हुई, कव्वाली
हमन का कवारी नाचनी ले जाना तो मोहब्बत का भागार खाकर बतारा। हमारे हाफी जी ने क्या कहा कि हम लोगों के सामने आया है, कहा ये जो बाजा हराम है तो हराम है नहीं, हम सुन तो सुन देख लो। खाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अपने मामू के यहाँ गए, सुन लो तुहार मोहब्बत का फार फुलल बना तुम्हारे खातिर। देख लीजिए खाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अपने मामू के यहाँ गए मेहमान बन के, मेहमान बन गए मुख्तसर में खाना खा लिए तो उनके मामू ने क्या कहा, अरे खाजा तुम्हें खाना तो खिला दिया लेकिन तेरी रूही के यार नहीं दिया, तू खाजा का दीवाना हुआ ना, देखो कहा कि तुम्हारी रूही के यार नहीं दिया, अब जो है ऐलान करा दिया, ऐलान करा दिया, अब जो है अपने हुजरे मुबारक के बीच में पर्दा टांग दिया। वो बाजा के सब खिलाफ थे, बीच में पर्दा टांग दिया और इधर खाजा साहेब और उधर उनके मामू, अब जो है कवाली होने लगा और खाजा साहेब ढूंढने लगे। वो का चुनत रहन का बाजा चुनत रहन, बाजा ना चुनत रहन, उनका दूसर चीज रहा। आ तू तो जेब मजार पर तो हुड़दंगई करबो, कैसे हुई ना हुई, जो चीज हराम है वो हराम है। अब उसके मान जिस वक्त खाजा झूमने लगे आसमान के फरिश्ते भी झूमने लगे और जमीन हिल गया, जमीन हिला। उसके बाद उनके मामू ने जमीन पर अपनी छड़ी को लगाया और खुद्दी से दबाया। अब जो है जब कव्वाली खत्म हो गया और पसीने से शराबोर हो जाते हैं, खादिम पहुंचा कहा कि हजूर ये क्या बात है, कहा कि जिस वक्त खाजा साहेब ढूंढने लगे आसमान के फरिश्ते सब काम छोड़ के ढूंढने लगे, लगा कि जमीन पलट जाएगा। वो क्या सुनते थे, उनके लिए था, उनके लिए हुक्म था कव्वाली, उनके लिए हुक्म था, आपके लिए कौन सा हुक्म है, आपके लिए नमाज वजीफे की पाबंदी, वक्त पे बिना कजा के जितना हो सके परहेजगारी और दुआ करें अल्लाह ताला हलाल खाने की तौफीक अता फरमा दे। हक्कानी दरुद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लम अला नबी मुहम्मद व आलिही व सहबी सवाल मिन सैयदना मौलाना व अमीरा मुहम्मद व आलिही व सहबी وعلى الوالدين والوالدين وصحبه اوليائهم والدين تمام الليل وسلم تبارك وتعالى على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد। देख लीजिए एक हम लोग कहते हैं ना सुरह फातिहा सुरह इखलास पलक और नास, यही मेरा वजीफा है। मुर्शिद ने कितना कम टाइम में ज्यादा नहीं की, कम टाइम में ज्यादा नहीं की। देख लीजिए अल्लाह ताला का वादा है, अल्लाह अल्लाह ताला का वादा है। अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा को तख्ती पर लिखा, हाफिज साहब बहुत बोलते थे इसको, सूरह फातिहा को तख्ती पर लिखा और तख्ती बन जाती है उसको मुट्ठी पर आमीन लिखा हुआ है। तख्ती ने सजदा किया, अल्लाह ताला ने सवाल किया, ऐ तख्ती तुम क्या चाहती हो, कहा कि अल्लाह ताला सूरह फातिहा पढ़ने वाले को बख्श दे। कहा कि ऐ तख्ती तू सिर उठा, मैंने सूरह फातिहा पढ़ने वाले को बख्श दिया। अल्लाह ताला का वादा है। आज हम लोग क्या करते हैं देख लीजिए, कलमा, कलमा के मिसाल क्या है, उसका जल जड़ जमीन पर, उसका मुबारक तना आसमान पे, यहाँ पढ़िए और वहां बख्शे जाइए। एकदम स्पीड काम किया मुर्शिद ने, असल अल्लाह وَهُوَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ। यकीन के साथ पढ़े, दिल में रख के पढ़े। देख लीजिए दहिया कलबी, गलती होने से माफ करेंगे। देख लीजिए दहिया कलबी के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे, हे अल्लाह ताला दहिया कलबी को मुसलमान बना दे। अब जो है बहुत दिन के बाद दहिया कलबी के दिल में आया कि चलो आज इस्लाम कबूल कर लेते हैं। अब जो है जिस वक्त अल्लाह के रसूल अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहि सलाम को भेजा, कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दहिया कलबी अपने घर से इस्लाम कबूल करने के लिए चल दिया है। हम लोगों से मुर्शिद कितनी बार पढ़वाता है देख ले, देख ले, नमाज छोड़ के कहां जीवो, नमाज पूरा पूरी पढ़ा जा, वरना यहाँ भी रही खाली वो रही। बार बार बोलते हैं हम,
नमाज का पूरा पूरी जो जितना दिया है उसमें थोड़ा सा इधर उधर न करें, नहीं तो वही होगा यहाँ भी खाली वहां भी। देख लीजिए दहिया कर्मी अब जो है पहुंच जाता है मुख्तसर में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चादर मुबारक को बिछा दिया, अरे दहिया कल्बी इस पर से आ जाओ। दहिया कल्बी चादर मुबारक उठा लेता है और चूम लिया और इतना रोया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा जाते हैं। ऐ दहिया कल्बी क्यों नहीं पढ़ते कलमल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उसने क्या कहा, अरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मेरी गुनाहों की मगफिरत हो जाएगी क्या? कहा कि क्यों? कहा कि मैंने 70 बरस बुत की पूजा किया और 70 जिंदा लड़कियों को जमीन में गाड़ दिया हूँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब वही के इंतजार में हो जाते हैं, फिर जिब्रील अलैहि सलाम आए तो क्या कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने एक बार कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लिया, 70 बरस बुत की पूजा और 70 जिंदा लड़कियों को जमीन में गाड़ दिया, अल्लाह ताला सारी गुनाह को माफ कर देता है। आज क्या चाहिए हम लोगों को? दोनों चाहिए, दीन दुनिया दोनों। कितना इबादत कही ये कुल पढ़ले से मिल पढ़ के देखा पांच टाइम वही था केहू का एक को मत सुना चल यहाँ दिल्ली चल ले खाली कितना हूँ मेहनत करेंगे। ये देखिए आप जितना फाल चल के आए हैं लिख के रखिए रजिस्टर में लिख के रखिए इंशाअल्लाह ताला जितना फाल इंसान चल के आया है अल्लाह ताला उसके नाम से उतनी नेकी लिख देगा। देखेंगे आप गाड़ी से आया पैदल आया खर्चा करके आया सब उसके नेकियों में लिख दिया जाएगा। हकानी दूसरी देख लीजिए हमारे नौजवान बच्चे नौजवान भाई देख लें कितना अपनी माँ बाप की खिदमत तो कर रहे हैं। मौलाना साहब बोल के गए हैं एक लड़का था जो अपनी माँ को बहुत तकलीफ देता था, हमारे अब्बा हजूर बहुत बोलते थे इसे बहुत तकलीफ देता था और उसका इंतकाल हो गया मुख्तसर में इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला ने उसके लिए जहन्नम लिख दिया, जहन्नम लिख दिया और जहन्नम में वो जला दिया उल्टा मुचुक चढ़ा करके अल्लाह ताला ने खंबे में लटका दिया और नीचे से आग लगा दिया। वहां मौत नहीं आएगी खाली चिल्लाई आदमी हाय मौत मौत होता नहीं आएगी। अब जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं जहन्नम के सर पे देखते हैं कि वो लड़का उल्टा मुचुक चढ़ा दिया है और नीचे से आग लगा दिया है। देख लो कहा कि अल्लाह ताला इसकी गुनाहों की मगफिरत। अल्लाह ताला ने कहा ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज के दिन नहीं आज के दिन नहीं। कहा कि क्यों? कहा कि इसने अपनी माँ को दुनिया में बहुत तकलीफ दिया। कहते रहना हाथ के करबो आज चाहे तुम लगा के करबो कर ही के माई बाबा का वरना मेरी नसल पीछे तैयार है ठेला लेके। बहरहाल देख लीजिए उसके बाद जो है कहा कि इनकी माँ जन्नत में थी। अब जाते हैं कहा कि अपने औलाद के लिए दुआ करो तो कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं। दोनों तरफ से इनकार हो गया। अब कहाँ जाएगा औलाद? दोनों तरफ से इंकार है। बीच में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़े हुए हैं। कहा कि ठीक है तब चलो तुम मेरे साथ ले जाते हैं। देख लीजिए माँ की मोहब्बत माँ की ममता जोश मार रही है। जब जिस वक्त माँ देखती है अपने चेहरे पर हाथ को रख लिया कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने इसकी सारी गुनाह को माफ कर दिया आप भी दुआ फरमा दें इसकी सारी गुनाहों की मगफिरत हो जाए।
इतना गहराम था कि हर चीज खुल के छोड़ दिया और खड़ा हो गया और दौड़ता है लड़का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, तो क्या कहा कि नहीं ये तेरी माँ है, इसके सारी चीज है, इसने तुम्हारे लिए दुआ किया है, पूरा पूरी माने के बाद करे के बाद, वरना कुछ ना मिले। आज हम लोग कहते हैं ना खाजा का दामन कैसे है, दामन नहीं छोड़ेंगे खाजा मोर गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे कहते हैं हम लोग, हमन का धैर्य ही कहा बढ़िया देख लो। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जब दुनिया में आए तो 18 पारा कुरान लेके आए। आज हमारी माँ बहने देख लीजिए क्या करती हैं, नस्ल जैसन पेट रही वैसे टीवी देखते हुए आता है, वो नस्ल वो सोचती है कि ये नस्ल अंदर है नहीं, वो भी टीवी देख रहा है। देख लीजिए शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की माँ डेली 18 पारा कुरान पढ़ती थी, 18 पारा डेली उनका मामूल था। आज हमारी माँ बहने बेटियां क्या करती हैं, टीवी खूब बढ़िया दिया नहीं तब ब्याह ना हुई, लेके जाती है यहाँ से माँ बाप से जबरदस्ती लेके जाती है, दो भैया हमारा के टीवी चाहिए। ऐसा ही नजर आता है दुनिया में, टीवी देखते हुए मोबाइल बजाते हुए। आज हम लोग कहते हैं ना लड़का बहुत एडवांस बा, एडवांस बा के वो देख के आई बा, हेमे लगेले रह तो वो लगा ले, अगर मुंह से पढ़ब तो वो पढ़ ले। देख लीजिए शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, अब जो है उनकी माँ ले जाते हैं उनके कहा मौलाना साहेब के यहाँ, कहा कि आप हमारे औलाद को जो है अरबी पढ़ा दे, कहा कि छोड़ दीजिए। अब जो है मौलाना साहेब ने कहा औज बिल्लाह मिन शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इतना तहनाम था कि उन्होंने 18 पारा कुरान पढ़ दिया। आज हम लोग क्या करते हैं, पूरा पूरी जो आपके मुर्शिद ने दिया आप उस पर पूरा पूरी अमल करने की तौफीक अता फरमा दे, दुआ करें हकारे जरूर शरीफ अल्लाह यही वजीफा पढ़ करके मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह ने करम नासा की रवानी को बदल दिया, जो पूरब बहती है उसको पश्चिम बहवा दिया, ये वजीफा पढ़ा था। आप भी पढ़ करके काम करो इंशाल्लाह दादा, और जो है पूरा बरो मास रोजा रहते थे वो, ये हक्कानी अनमन का एक करामात है, कहीं ऐसा नहीं मिलेगा पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, नहीं मिलेगा। मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह बरहो मास रोजा रहते थे और हमारे हाफिज साहब किबला, हमारे हाफिज साहब किबला एक खत्म कलाम पाक डेली पढ़ के सोते थे, डेली एक खत्म। कोई है दुनिया में तो बता दे, ये सब सारे करामात हैं। और हक्कानी अंजुमन में सबीरा के अंदर 6 घंटा में मुर्शिद ने कुरान को खत्म करा दिया, कहीं नहीं मिलेगा, यकीन के साथ पढ़ो इंशाअल्लाह ताला। दुआ करें अल्लाह ताला दीन दुनिया की भलाई, वो आमनो अमान ऊपर लिखा हुआ है वजीफे के ऊपर में हक्काने गए। और याय मुदई मैं कमा कर नहीं तो संदम दुबारे में और हिम करा से दराय इब्राहिम वारा ने से दराय इब्राहिम इन का हमें दुम बनी।